मैं खेती करती हूँ, बचपन से चीकू के बागायत में ही खेलती थी। बागायत को देखते देखते आगे बढ़ चुकी हूँ और बागायत से प्रक्रिया किया, चीकू का प्रक्रिया करके मैंने डबल दुगना इनकम कर दिया है जी। अभी डबल ही हुआ है या इससे ज्यादा भी हो गया है? आपके चेहरे की करना चाहती हूँ मैं, अकेली नहीं, मेरे साथ और कहीं महिलाओं को लेके जो मैं आज काम कर रही हूँ उसको दुगना नहीं चार गुना बढ़ाना चाहती हूँ। कितनी महिलाएं आपके साथ है? मेरे साथ अभी 5-6 महिला में हम काम करते हैं मेरे साथ, और ऐसे तो 20 महिलाओं को मैंने ये सुखाने का काम सिखाया है। नासिक, पुणे, यहाँ से भी कई महिलाएं मेरे साथ आई थी, मेरा प्रोग्राम देख के गई और उनको मैंने प्रशिक्षण दिया कि इस तरह से आप आगे बढ़ते रहो। उन्होंने कांदा सुखाया है और आगे का काम उन्होंने जो किया, घर से निकलना बाहर, ये पहले उनको सिखाया कि क्यों निकलना है और कैसे निकलना है, अपने खुद के पैरों पे निकलना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने, मेरे घर वालों ने भी मुझे इस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की और मैं अभी आज चीकू चॉकलेट, चीकू चीकू का अचार, चीकू के चिप्स, चीकू पाउडर, चीकू कुल्फी, चीकू, इस तरह से चीकू का जो प्रोडक्ट मैं बढ़ाना चाहती हूँ। हमने तो आज तक सिर्फ चीकू ही खाया है, इतने सारे नाम तो आज सुन रहे हैं। हाँ, तो चीकू, यहाँ क्या हुआ ना, जब चीकू का प्रॉब्लम्स खड़ा हुआ तो लोगों ने चीकू काटना शुरू किया। चीकू के पेड़ काटे जा रहे थे तब मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने सोचा कि नहीं, ये बंद होना चाहिए। जो 12 महीने चीकू का फल मिलता है, ऐसे पेड़ को काट के किसान को क्या मिलेगा और क्यों काटना है? तो इसके लिए मैंने ये प्रोडक्ट, अलग प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की और इसमें आगे बढ़ने के लिए मेरा बच्चा, मेरा निनाद यानी मेरा बेटा, उसने मुझे बहुत ताकत दी। मेरे पति अच्युत पाटिल, उन्होंने भी मुझे बहुत ताकत दी कि ये आगे बढ़ना ही बनता है, पेड़ काटना नहीं चाहिए। जो पेड़ यहाँ पहले से ही हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया और जब अच्छे पैसे आ रहे थे, मिल रहे थे, तब लोगों ने बहुत बाड़ियाँ बनाई।